हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो क्लास टेंथ का एग्जाम हो चुका है, सेंटअप एग्जाम, ठीक है ना, उसमें जो क्वेश्चन आया है तो सबके बच्चों के माइंड में प्रश्न उठ रहा कि सवाल जो मैट्रिक एग्जाम 2022 में आने वाला है वो किस पर कराएगा, चाहे ट्वेल्थ का, और ट्वेल्थ का भी सेंटअप एग्जाम हुआ है, टेंथ का भी सेंटअप एग्जाम हुआ है। तो अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि अब क्लास जो फाइनल एग्जाम होगा ना हमारा, जो फाइनल हमारा एग्जाम होना है टेंथ का या ट्वेल्थ का, उसमें सवाल कैसा रहेगा। तो बहुत बड़ा सवाल आपके सामने टेंथ वाले का और ट्वेल्थ वालों के लिए, दोनों के लिए यहां पे हो जा रहा है। तो जो सेंटअप एग्जाम होता क्या, आपको पहले मैंने बताया सेंटअप एग्जाम के मतलब क्या होता है। सेंटअप एग्जाम का मतलब ये होता है कि जो आपका फाइनल एग्जाम में सवाल आना है, बस जस्ट लाइक उसी के पैटर्न यहां पे आपको दिया गया है, इसी के पैटर्न के बेसिस पे आपको तैयारी करना है, और फिर जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन ना रहे, कुछ घबराहट ना रहे, आराम से जिस तरह से आपको फाइनल में एग्जाम होना उसी प्रकार यहां पे हुआ। आपको भी यहां पे ओएमआर मिला होगा, रंगने के लिए मिला होगा, है ना, सेम टू सेम सारा प्रोसेस हुआ होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां आपको सेंटर बदल जाएगा, आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा, आपका स्कूल बदल जाएगा, लेकिन यहां आप सेंटअप में अपना ही स्कूल में एग्जाम दिए। थोड़ा सा ये डर बच्चों के दिल में बना रहता है कि दूसरा कॉलेज में जाएंगे, दूसरा स्कूल में जाएंगे, पता नहीं वहाँ का क्या रवैया होगा, कैसे होंगे, है ना। थोड़ा सा वहाँ पे SDM आ रहे हैं, DM आ रहे हैं चेक करने के लिए, वहाँ पे मजिस्ट्रेट होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डर आता है। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, बस जिस तरह से आप एग्जाम दिए सेंटअप एग्जाम का, उसी प्रकार आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम जाके देना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सवाल कैसा पूछा जाएगा वहाँ पे, किस प्रकार सवाल आएगा। देखिए, जो 2020 में सवाल एग्जाम हुआ था सेंटअप वाला 2020 में, और उसी का 2021 में जो एग्जाम हुआ था, जैसे आपका एग्जाम 2022 में होना है ना, आपका एग्जाम 2022 में होना है, तो एग्जाम 2021 में हो रहा था, उसी तरह 2021 वाले बच्चे के लिए 2020 में एग्जाम हुआ था सेंटअप का। तो उस समय कोरोना का थोड़ा सा ज्यादा पैंडेमिक चल रहा था, उस समय जो 2020 में जो सेंटअप एग्जाम आया था, सेम उसमें जो है ना 60 क्वेश्चन था, पैटर्न वहां पे कम था, 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, है ना, मैथ में 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, लैंग्वेज में 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, और जो सब्जेक्टिव है, जो साइंस है, सोशल है, उसमें 48 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। लेकिन इसमें तो पूछ लिया था, लेकिन जब फाइनल का वक्त आया था 2021, तो जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम हो रहा उसी पैटर्न पे 100 ऑब्जेक्टिव हो गया था मैथ में, लैंग्वेज पेपर में, और 80 जो है ऑब्जेक्टिव हो गया साइंस में और सोशल में, ठीक है ना। तो क्या मतलब एक माइंड उठता है कि सर जैसे इस तरह से हुआ था 20 में 60 ऑब्जेक्टिव पूछा था, और 2021 में फिर बढ़ा दिया गया, ऐसा क्यों हो गया सर, फिर तो गड़बड़ हो गया। तो खैर यहां पर वाले के लिए तो फायदा हो गया, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, तैयारी बहुत मस्त है सब। अब लेकिन आपका यहाँ पे जो 2021 में आपने जो एग्जाम दिया है सेंटअप का, और 2022 में जो सेंटअप का फाइनल एग्जाम देने वाले हो, तो क्या यही वाला आएगा। तो देखिए 99% है कि आपका वही रहेगा, ठीक है ना। अभी कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न में बदल जाएगा, बदलाव होगा, कुछ भी नहीं, सेम जिस पैटर्न है, और पहले एक बार पेपर में भी आया था कि जिस तरह से 2021 फाइनल एग्जाम हुआ था उसी प्रकार 2022 में एग्जाम होने वाला है। तो बस टेंशन नहीं लेने का, 99% है कि जिस प्रकार सेंटअप में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसी पैटर्न पे रहेगा। लेकिन अब एक बात तो कंफर्म हो गया ना, यहां पे इस तरह से सवाल आएगा, तो सवाल किस प्रकार आएगा, अब आप देखे होंगे ना। सबसे पहली बात तो मैथ की अगर मैं बात करूं, तो मैथ में या लैंग्वेज पेपर में, तो मैथ में तो बहुत इजी सवाल रहा है, ऑब्जेक्टिव खासकर बहुत इजी था, ठीक है ना। और जो सब्जेक्टिव है वो भी नॉर्मल था, कोई हार्ड नहीं था, ठीक है ना। जो बना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए इजी लग रहा है, जो नहीं पढ़ रहे तो उसके लिए हार्ड लगेगा, जाहिर सी बात है, जो नहीं पढ़ेगा उसको हार्ड लगेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर साइंस की बात करूं, सोशल की बात करूं, और लैंग्वेज पेपर जिसको आप बहुत ही आसान समझते हो ना, लेकिन यहां पे जब लैंग्वेज पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बीचों बीच से, किताब के बीचों बीच से दे दिया गया था, लेसन के बीचों बीच से दे दिया गया था, ठीक है ना, यानी कि पता ये चल रहा कि अगर आपको लैंग्वेज पेपर में भी 90+ मार्क लाना है तो आपको उसको रीडिंग करना पड़ेगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि आपको लेसन रीडिंग करना बहुत जरूरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, जो भी हो, उसको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और सोशल साइंस में भी आपने देखा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस में, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने जब तक पढ़ा ही नहीं,
न्यू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, न्यू टाइप का क्वेश्चन था। खैर वो तो अलग बात है, थोड़ा मेरा न्यू रहे, लेकिन बहुत ऐसा भी क्वेश्चन था जो आपके माइंड से ऊपर था। हालांकि सारी बातें वहां पे लिखी हुई, सारी बातें लिखी हुई वहां पे, लेकिन आप उसको गौर नहीं कर रहे, आप उसको गौर कर रहे जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा, जो किताब में क्वेश्चन दिया उसको रिपीट हो रहा। तो अब जरूरत है आपको मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, है ना, चाहे सोशल का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो यहां पे देखा जा रहा ना, ये सब में से ऑब्जेक्टिव, लगभग जो ऑब्जेक्टिव जो सवाल पूछा जा रहा, बहुत से ऑब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चन से मैच कर रहा था। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें से लगभग लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 2011, 12, 15, 13, 19, 18, 20 जो भी ना, उसी से सवाल लगभग लगभग सवाल पूछा गया था। तो बस अब देर करने की बात नहीं, मैं आपको शुरू से मैं बोलते आ रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको करना ही है ना, पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ते हो ना, तो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा सब्जेक्टिव और है, उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे 2021 में पूछा गया था, तो 2021 में जो सवाल आया था ना, वो 2022 से डिफरेंट आया था, 19 से डिफरेंट आया था, मतलब वो ना क्वेश्चन पेपर से बहुत थोड़ा मेरा मैच किया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि नहीं सभी के सभी आ जाएगा, ऐसा ये भी बात नहीं कि पूरा पूरा उठा के यहाँ पे डाल देगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उससे मैच करता है। तो आप अगर सब्जेक्टिव के लिए, है ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हो, इसके अलावा और भी सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल, जो आपके गाइड में बीबीडी गाइड हो या ब्रिलियंट गाइड हो या आलोक, जो भी सर जितना तरह के गाइड है ना, उनको अगर आप पढ़ते हो तो फिर आपका सब्जेक्टिव बेहतर से बेहतर हो पाएगा। तो अब ये जो हमारा सेंटअप एग्जाम हुआ ना, इससे तो बस एक ही बात पता चलता है सर, कि जिस तरह से सवाल पूछा गया है हमको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। और आपको यहां पर एग्जाम देने बहुत आसान लगा, क्योंकि सवाल पहले से आउट हो गया, देख रहे हैं ना, सवाल पहले। अब देखिए, किसी का एग्जाम बाद में हुआ, किसी का पहले हो गया एक हफ्ता पहले, किसी का एक हफ्ता बाद एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। तो जो एक हफ्ता पहले एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन तो वायरल हो गया ना, क्वेश्चन तो सभी के पास आ गया। अब जो बच्चा देखेगा वीडियो तो उसके लिए तो आसान लगेगा, सर ये तो मैंने बना लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिल गया। लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं होने वाला है ना, आपको मैट्रिक में पहले क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट गुड, है ना, ये खिलाफ है ना, ये तो फिर स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पे नॉर्मली था कि आज बच्चा देख आया, पेपर आया, यूट्यूब में सब वीडियो बना दिया, मैं भी वीडियो बनाया, ठीक, चूंकि आंसर भी तो मिलाना है ना, सबको आंसर ही मिलाना है। अब एक हफ्ता बाद किसी का एग्जाम हो रहा, तो बच्चा बर्दाश्त कहां से करेगा, उसको भी तो चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक में नहीं होने वाला, ठीक है ना, इतना दिमाग में रखें, मैट्रिक में ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद से करना पड़ेगा, अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जितना सारा सेंटअप का एग्जाम हुआ है ना, उन सभी का एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर आपको करना है, एक एक सब्जेक्टिव रट के याद करना है। सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, ओके, डेली क्लासेस चल रही हैं, उनसे आप सीखो। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, अभी जो आपके पास जो टाइम टेबल बच रहा है ना, माथरे बहुत, अब तो नवंबर भी खत्म होने वाला है ना, बीच में पहुंच चुके हैं दिसंबर जनवरी, दो ढाई से तीन महीने, तो बोले ढाई महीने बोले टाइम निकल जाएगा। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि नवंबर से कैसे पढ़ना है, उसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बताया था कि कैसे आपको पूरा क्वेश्चन को याद करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे करना है। अगर आप वो वीडियो देख लिए तो आप तक आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर वॉच कीजिएगा, आपको इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप नवंबर से कैसे पढ़ें उसका एक स्ट्रेटजी जरूर देख लीजिएगा, कैसे मैंने रणनीति बताया कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो, अब टाइम बहुत कम है, अब जिस तरह से आपका सेंटअप पूछा गया, बस इसी के पैटर्न पे आपको सब कुछ रेडी करना और इससे हार्ड तैयारी करना है। आप अपने माइंड में तसव्वुर करो, जब आप एग्जाम देने गए थे तो क्या पूरा सब्जेक्टिव आपको याद था, मतलब किसी से हेल्प लिए बिना, क्वेश्चन बिना देखे। हालांकि आपने तो यूट्यूब में क्वेश्चन देख लिया होगा ना कि कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है, तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको पता जब ना चले, आप अपने आप को खुद से जांचिए कि जो आपने एग्जाम दिया सेंटअप का, वो सब जो सवाल आया था क्या आपको याद था। मुझे उम्मीद है बहुत कम ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको याद था सवाल, ठीक है ना। तो सो सकते हैं, जब अभी सेंटअप में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है तो फिर आपके लिए अलार्म बज चुका है। तो फाइनल एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाएगा। तो भाई टाइम बहुत कम है, घर का कोना पकड़ लो, आराम से बैठो और ज्यादा से ज्यादा टाइम दो पढ़ने के लिए, है ना। आप अगर पूछोगे मेरे से सर कितना टाइम पढ़े, तो ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड जितना टाइम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड हाउ मच, जितना आपके पास समय, ज्यादा से ज्यादा,
लेकिन एक बार तो मैं जरूर बोलूंगा कि कम से कम आपको तो 6 से 7 घंटा से कम क्या पढ़ेगा बच्चा, है ना। लेकिन उससे भी कोई कम पढ़ा तो पता नहीं, हो सकता है। तो 6 से 7 घंटा कम तो ऐसे तो निकल जाएगा, वो मैथ बनाओगे, साइंस बनाओगे, ये याद करोगे, वो लिखोगे, सारा कुछ ऐसे ही पास हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात मैंने बार बार बताया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको लिख लिख के याद करना है, कॉपी पर लिखना है, उसको याद करना है। इससे आपका लिखने का जो हैबिट बेहतर हो पाएगा और आपको वो सवाल जल्दी से याद भी हो पाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बोला जाए कि आपको बहुत ही बेहतर तैयारी करनी है। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, जो भी समय बच रहा पूरा का पूरा फुल्ली टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। आपके घर में भी बहुत सारा काम होगा, उस काम को भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने के लिए, बिकॉज यही आपका फ्यूचर का प्लानिंग बनेगा और यही आपका रिजल्ट मार्किंग करेगा। ये आपका जो सेटअप था, एक अलार्म था, एक घड़ी था, घंटी था, जो बज चुका है और आपको बता चुका है, इन्फॉर्म दे चुका है कि भाई मैं आने वाला हूं, लेकिन तैयारी कर लो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको इस बात को मैंने जो आपको बताया है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आज से आप बेहतर तरीके से तैयारी करोगे। जो अब तक सोए हुए थे अब आप जागो, क्योंकि जब शेर जागता है ना तो पूरे जंगल को हिला देता है। ओके, तो वीडियो को हम लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि क्या जो सेंटर एग्जाम में सवाल पूछा गया था वो क्या आपको याद था, मुझे बताना जरूर करके। ओके, वीडियो को लास्ट करते हैं, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, जो पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।